ठीक है, इसमें कोई चीज पूछनी है आप लोगों ने पूछ सकते इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा कि कोई लीनियर वेक्टर, अगर कोई वेक्टर तो जीरो हो जाए। हैं। कौन सा वेक्टर? कोई भी इनमें से जीरो हो जाए। हाँ, कोई मतलब कोई भी वेक्टर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा है कि इन सारे वेक्टर्स का जो सम आप करेंगे तो एक नया वेक्टर बनता है, स्मॉल वी, और वो वी वेक्टर भी कैपिटल वी के अंदर लाए। दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। ये लीनियर कॉम्बिनेशन था, और दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन इन टर्म ऑफ वेक्टर। दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, और दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेक्टर इन टर्म ऑफ अ वेक्टर। ठीक हो सर गई बात? उसमें हर नेचर का वेक्टर आ सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो वेक्टर भी आ सकता है। सारे तो नहीं जीरो हो सकते, सारे जीरो होंगे तो वो भी एक केस बन जाएगा, वो भी आपके सामने अभी आ जाएगा। ठीक है ना, वो उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। अच्छा, एग्जांपल है आपके पास एक, राइट द वेक्टर्स, कौन कौन से, राइट द वेक्टर, इस वेक्टर को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन, 1 -2 5 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स हैं? वी वन जो उनसे है वो है 1 1 1, वी टू जो उनसे है ये है 1 2 3, एंड वी थ्री जो उनसे है ये है आपके पास 2 -1 एंड 1। ठीक है, चलो तो ये स्मॉल जी, वेक्टर हो गया 1 -2 5। सॉरी दोबारा बात पूछे। हाँ, श्री जो आपने लिखा है राइट द वेक्टर भी, ये स्मॉल वेक्टर हो गया। ये वाला है ना, हम ये नहीं कहते थे कि ये जो छोटे वेक्टर हैं v1 v2 v3, तो ये वो वेक्टर हैं जो कैपिटल वी को बिलोंग करते हैं। एक ये वाला वेक्टर था, ये स्मॉल, ठीक है ना, ये भी इसको बिलोंग करे, इस वी को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन, वो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक ठीक है ना, तो कैसे लिख सकते हैं? वी कैन बी लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या बनेगा, मैं चलिए यूं लिखता हूँ, x into v1, y into v2 एंड z into v3। ऐसे नहीं बनता। यहाँ पे क्या हमने लिखा था पहले, a a1 a2 a3 लिखा था, यहाँ पे मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया, XYZ। x y z लिख दिया। ठीक है, अब लिखें जरा इस उसी वेक्टर को इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, 1 -2 5 x as it is आ जाएगा। v1 की क्या वैल्यू है, 1 1 1, x v2 की क्या वैल्यू है, 1 2 3, 2 -1 n। ठीक है, तो पहला पहला कंपोनेंट उठाए, 1 टाइम ऑफ x प्लस 1 टाइम ऑफ y प्लस 2 टाइम ऑफ z इज इक्वल टू क्या आता है, क्या ये 1 के इक्वल नहीं आएगा? फर्स्ट वाले कंपोनेंट उठाए, यही बनते हैं ना। अब दूसरा कंपोनेंट उठाए, x प्लस 2 y माइनस जेड इज इक्वल टू -2। फिर क्या है, एक्स प्लस 3 y प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ये आपके पास क्या बन गया, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गया। ठीक है, आप इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करें, ठीक है, तो
देखना है जब इनको सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, जब उनको उठा के दोबारा इधर पुट करेंगे तो इनका आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करो, इस सिस्टम को सॉल्व कर लो। कर सकते हो सॉल्व या नहीं? सॉल्व द अबव सिस्टम बाय एशन फॉर्म भी कर सकते हो, बाय बाय एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हो। या एशन फॉर्म भी कर सकते हो, ठीक है ना? तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट लिख दूं, -6, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें दोबारा। वैसे तो आपने ये कॉन्स्टेंट्स निकाल जो कैलकुलेट करने थे, ठीक है। सर कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं ये वैल्यू? हाँ, कैलकुलेटर से कर लो। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम लिखा हो ना, जैसे मैंने शुरू में करवाए थे, इसको गॉस एलिमिनेशन से ही करो, तो फिर उसी से करना पड़ेगा। बाय सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू -6, वाई इज इक्वल टू 3, एंड जेड इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, क्या ये वही चीज बनेगी? देखना, 1 -2 5 इज इक्वल टू 6 टाइम -6 टाइम ऑफ 1 1 1 प्लस 3 टाइम ऑफ 1 2 3 और प्लस 2 टाइम ऑफ 2 -1। अब देखो क्या ये वही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। -6 प्लस 3 कितना रह जाएगा आपके पास? -3 रह जाएगा, और -3 + 4 1 रह जाएगा। क्या ये भी 1 बन रहा है या नहीं बन? ठीक है ना, फिर -6 + 6 0 हो जाएगा, फिर -2, तो ये भी -2 बन। ये वाला -6 + 9 कितना रह जाएगा? 3 3 और 2 1 2 3 + 2 ये 5 बन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हेंस वी कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1, V2 and V3। ये बात समझ आ गई या नहीं? आ गई सर। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी है, क्या ये V वेक्टर इन वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा? इसका ये मतलब भी तो हो सकता, हो सकता है नहीं हो सकता कि v अगर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है तो v इन वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड या नहीं कर रहा? ऐसे कर रहा है ना। ठीक है, तो हम ये कहते हैं जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y जो उनसे x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली इज दिस v इज डिपेंडिंग अपॉन v1 v2 v3। तो आगे चल के इससे एक डेफिनेशन बनती है, we say that a vector small v belongs to capital V is a linearly dependent, क्या ये depend कर रहा है नहीं कर रहा? Linearly dependent on set v1 v2 up to so on vn। क्या मतलब हुआ कि ये स्मॉल वी जो वेक्टर है ये वी वन से लेके वी एन तक सारे वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इफ वी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ the vectors v1 v2
ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि v इज लीनियरली डिपेंडिंग अपॉन, लीनियरली डिपेंडिंग अपॉन v1 टू vn इफ v कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हम लीनियरली लीनियर कॉम्बिनेशन जो बन रहे ठीक है, जिसमें v को इन टर्म ऑफ v1 v2, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट भी कह सकते हैं, दोनों चीजें सही। ठीक है, तो ये जो अभी हमने लास्ट एग्जांपल की है, इन द लास्ट एग्जांपल वी से दैट वन माइनस टू फाइव is equal to minus 6 1 1 1 plus 3 time 1 2 3 and 2 time 2 minus 1 and 1 and so the vector kaun sa tha aapke paas, so the vector 1 minus 2 एंड फाइव, जिसको हमने वी का नाम दिया था, इज लीनियरली डिपेंडिंग ऑन द सेट ऑफ वेक्टर्स। कौन से सेट ऑफ वेक्टर्स थे, वन वन वन, वन टू थ्री, टू माइनस वन वन, इसके ऊपर डिपेंड कर, या ऐसा ही है या नहीं, कि ये वी वेक्टर स्मॉल वी वेक्टर्स किसके ऊपर, वी वन के ऊपर, वी टू के ऊपर, वी थ्री के ऊपर, या सेट ऑफ वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर। ठीक है, अच्छा, तो ये लीनियर डिपेंडेंट की डेफिनेशन। ठीक है, लीनियर डिपेंडेंट में क्या होगा, एक वेक्टर बाकी वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, लीनियरली इनडिपेंडेंट क्या होगा। ठीक है सर, इस हिसाब से तो ये x y z पे भी डिपेंड कर रहा है, वो तो कांस्टेंट्स हैं, वो कांस्टेंट्स हैं, वो आपने एक बार कैलकुलेट कर लिए। अब अगर मैं ये चेंज कर दूं, ये वाले चेंज कर दूं, तो ये कांस्टेंट खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। हमने कांस्टेंट पहले कैलकुलेट किए हैं या वेक्टर्स पहले कैलकुलेट किए, सही सही, ठीक है। नहीं, हमने क्या चीज, ये देखें हमारे पास क्या चीज गिवन थी, हमारे पास वेक्टर गिवन था और ये वाले बाकी जो मैंने वेक्टर्स गिवन थे। ठीक है, हमने इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया और कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया। अगर एक वेक्टर भी मैं चेंज कर दूं ना, एक वेक्टर भी, तो ये वेरिएबल ऑटोमेटिक, ये जो सॉरी एक्स वाई जी आ रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली चेंज, एक्स वाई जी एक सिंबल है, ये बेसिकली कांस्टेंट्स थे, ए वन ए टू ए थ्री, मैंने शुरू में बताया था ये रियल नंबर, याद है, जब मैंने इसकी डेफिनेशन। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन में लिखा भी हुआ, a1 a2 a3 up to a1, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, पीएल बिलोंग। अच्छा, एक डेफिनेशन है आपके पास, अ सेट ऑफ वेक्टर्स वी वन वी टू वी एन। ठीक, अ सेट ऑफ वेक्टर्स वी वन से लेके वी एन इन वी is said to be linearly dependent if there is a linear combination और चीज है, linearly dependent और चीज है। ठीक है,
लीनियर डिपेंडेंट क्या था, एक वेक्टर बाकी सेट ऑफ वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड था। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या था कि एक वेक्टर को लीनियर मतलब एक कॉम्बिनेशन की फॉर्म में बाकी वेक्टर्स की फॉर्म, ठीक है। अ सेट ऑफ वेक्टर दिस इन कैपिटल वी, ये कैपिटल, ठीक है, ये छोटे छोटे वेक्टर थे जो कैपिटल वी वेक्टर स्पेस में आ रहे, इज सेट टू बी अ लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन क्या था लीनियर कॉम्बिनेशन ए वन वी वन ए टू वी टू प्लस सो ऑन ए एन वी एन, अगर ये जीरो के इक्वल हो, ठीक है। लीनियर डिपेंडेंट की डेफिनेशन बता, ए वन वी वन ए टू वी टू अप टू सो ऑन ए एन वी एन, अगर ये जीरो वेक्टर के इक्वल रखा जाए, नल वेक्टर के इक्वल, ठीक है, तो क्या हो, वेयर द स्केलर ए वन ए टू सो ऑन ए एन आर नॉट ऑल जीरो, ये सारे जीरो नहीं होंगे, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंड। दोबारा सुन लें कि जो लीनियर हमने, अगर किसी चीज को ये चीज प्रूव करना है, इसको ये बताना है कि ये लीनियरली इन जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट मैं बता रहा हूँ, तो आप क्या करें, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल रखें, उनमें ए वन ए टू अप टू वन ए एन की वैल्यूज कैलकुलेट करें, तो उनमें से कुछ जो उनसे एज हैं, कुछ एज हैं जो उनसे हैं, वो जीरो आएंगे और कुछ आपके पास क्या आएंगे, नॉट। तो यही लिखा हुआ है ए वन वेन वेयर ए वन ए टू अप टू वन ए एन आर ऑल आर नॉट ऑल जीरो, ठीक है, ये सारे एट अ टाइम जीरो नहीं, अगर ये सारे जीरो हो जाएं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है, वो किस चीज की डेफिनेशन बन जाएगी, अगर सारे जीरो हो जाएं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसी में आगे, ऑन द अदर हैंड इफ इफ ए वन वी वन ए टू वी टू, एक नया लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ ए एन वी एन, अगर ये जीरो के इक्वल हो, ठीक है, और बाकी ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू सो ऑन ए एन, ये सारे के सारे जीरो हो, ठीक है, द सेट then the set of vectors, कौन से vectors, v1 v2 v1 v2 vn, is said to be linearly independent, ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट ये वेक्टर्स कब होंगे, अगर सारे कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए और लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म को लिखा, ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन याद रखनी है, एक इसको भी लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के इक्वल इक्वेट किया, इसको भी लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के इक्वल इक्वेट किया, दोनों चीजें हैं यही, इक्वेशन एक ही लेके चल रही है, एक ही तरह, इसको भी इक्वल टू जीरो लेके चल रहे हैं, इसको भी इक्वल टू चल लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, पहले लीनियर कॉम्बिनेशन को इसको भी जीरो लेके चल रहे हैं और दूसरे इसको भी लीनियर कॉम्बिनेशन को भी जीरो इक्वल लेके चल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाए, इफ ऑल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, और मैं लिख देता हूं इफ और नॉट ऑल जीरो, कुछ तो जीरो हो सकते हैं,
तो ये चीज क्या बन जाएगी, ये लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगी, और लीनियरली इनडिपेंडेंट क्या बनेगी, इफ ऑल सारे के सारे क्या हो जाए, ये जीरो हो जाए। तो ये लीनियरली क्या बन जाएगी, ये अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो और तमाम ए वन से ए एन तक जीरो आ जाए, ठीक है, तो ये लीनियरली इनडिपेंडेंट होगी। अगर कुछ जीरो और कुछ नॉन जीरो हो तो वो लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो आप इसको यूं भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई चीज इसमें पूछनी है तो पूछ सकते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट होगा क्या, बेसिकली जो सेट ऑफ वेक्टर्स, सेट ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली। अच्छा, हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इस रिलेटेड। एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है कि शो दैट the vectors 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 are linearly independent, ठीक है, इन आर क्यूब, ठीक है ना। आर क्यूब क्या था, ये वेक्टर स्पेस, उसने बताया। तो सॉल्यूशन, तो हमने लीनियरली इनडिपेंडेंट शो करने के लिए क्या करना था, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेना था और कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी थी, वो भी जीरो आनी चाहिए थे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए ए एक्स वाई जी भी कह सकते हैं, ए बी सी भी कह सकते हैं। ए बी सी जो उनसे थे ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और वी वन इज इक्वल टू 1 0 0, वी टू 0 1 0 और वी थ्री 0 0 1। तो ये वी वन वी टू वी थ्री ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल वी को बिलोंग कर रहे हैं। इस सेट ऑफ वेक्टर्स को हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे और कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए क्या करना है, हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के इक्वल इक्वेट करना है और कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाले, अगर वो कॉन्स्टेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन बता, मेक अ लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, a इंटू वी वन प्लस ए बी इंटू वी टू एंड सी इंटू वी थ्री, इसको किसके इक्वल इक्वेट करें, जीरो के इक्वल, जीरो वेक्टर के इक्वल। a टाइम v1 की क्या वैल्यू है आपके पास, 1 0 0, b v2 की क्या वैल्यू है, 0 1 0, और c की क्या वैल्यू है आपके पास, सॉरी v3 की, ये क्या आपके पास, 0 0, और इसको इक्वेट किसके साथ। अब ये तो एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ ही इक्वेट करना पड़ेगा, या वेक्टर को वेक्टर के साथ ही इक्वेट करना पड़ेगा। ये जीरो वेक्टर लिखा हुआ तो आपके पास क्या, 0 0 0, ठीक है। अब इसको इक्वेट करें आप, तो क्या पहली इक्वेशन क्या बनती है आपके पास, ए ए टाइम ऑफ 1 प्लस बी टाइम ऑफ 0 प्लस सी टाइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दूसरे में क्या बनता है, a टाइम ऑफ 0 b टाइम ऑफ 1 c टाइम ऑफ 0, a टाइम ऑफ 0 b टाइम ऑफ 0, ये वाला
और ये वाला चूज किया, फिर दूसरा 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 फिर तीसरा, फिर इसके साथ इक्वेट किया, ठीक है सी टाइम ऑफ। तो ये चीज़ आपको क्या दे रही है, ये क्या दे रहे हैं, ये दे रहा है ए ज़ीरो, ये बी ज़ीरो दे रहे हैं और ये सी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं हेंस द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, इन आर क्यूब, इन आर क्यूब, आर क्यूब क्या मतलब है, इस वी के अंदर, कैपिटल वी वेक्टर स्पेस के अंदर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, ये डिपेंड नहीं कर रहे किसी के ऊपर। अच्छा है आपके पास, इस थ्योरम में क्या कह रहे हैं आपके पास, कोई चीज बच्चों पूछनी है तो पूछ सकते हो। टू नॉन जीरो वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस वी आर लीनियरली डिपेंडेंट if and only if one is a multiple of other, ठीक है। तो इसका प्रूफ बड़ा आसान सा है कि टू नॉन जीरो वेक्टर्स इन वी, ठीक है, दो नॉन जीरो वेक्टर, एक वी वन ले लिया आपने, एक वी टू ले लिया, कैपिटल वी, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, दो नॉन जीरो वेक्टर ये क्या होंगे, प्रूफ क्या करना है, इसको लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करना है, इफ एंड ओनली इफ वन इज द मल्टीपल ऑफ अदर। हम ये कह सकते हैं कि वी वन गिवन, इफ वी वन इज मल्टीपल ऑफ अदर, ठीक है, एक दूसरे का क्या है, मल्टीपल, मल्टीपल कैसे हो सकता है, और कि यहाँ पे कोई भी रियल है क्या, एक दूसरे का मल्टीपल है या नहीं। तो हम क्या कहते थे, लीनियरली डिपेंडेंट के लिए क्या होना चाहिए, लीनियरली डिपेंडेंट के लिए के आपके पास जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन आए उसमें कॉन्स्टेंट्स क्या, कोई एक कॉन्स्टेंट भी अगर नॉन जीरो आ जाए क्या कहते हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट था। तो अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए ये चीज लाजमी नहीं होती कि आप हमेशा हमेशा ए वन ए टू चूज करें। थ्योरम में आप जनरलाइज कर लेते हैं, मैं चले यूं कर लेता हूँ कि हाँ जी, तो इनका जरा लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए, मैं अगर यूं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, एक जो उनसे है वन टाइम है, दूसरा के टाइम है, क्या बन जाएगा, वन टाइम ऑफ वी वन प्लस दूसरा क्या बन जाएगा, वी टू की वैल्यू पुट करते हैं आप, दूसरा मैं यूं लिख देता हूँ कि के टाइम ऑफ वी टू इज इक्वल टू जीरो,
तो अगर ये देखें v1 भी आ रहा है, v k टाइम ऑफ v2 भी आ रहा है आपके पास, तो ये जो इसका कोफिशिएंट है, ये वाला जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट है 1, जिसको मैंने a1 का नाम दिया था, क्या ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा? तो हम ये कह सकते हैं कि v1 एंड v2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, हमने क्या चीज सपोज की थी कि एक अगर दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन बना। अब दूसरे में हम क्या कहते हैं, इफ ये सपोज किया और ये हमने प्रूव किया कि लीनियर। अब मैं लीनियरली डिपेंडेंट सपोज करता हूँ, ठीक है, और लीनियर डिपेंडेंट सपोज करने के बाद ये चीज प्रूव करूंगा कि एकदम से वो दूसरे का मल्टीपल। नाउ कन्वर्स, लेट v1 एंड v2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है ना, तो क्या होगा, k1 टाइम v2 प्लस k2 टाइम ये v1 है, एक v2 है, ठीक है, इसको 0 के इक्वल आप। अब ऐसा करें कि कोई एक नॉन जीरो ले लें, लीनियरली डिपेंडेंट है ना, लीनियर डिपेंडेंट है, तो आइदर k1 जीरो होगा या k2 जीरो, कोई एक जीरो हो सकता है, दोनों जीरो नहीं। तो लेट कर लेते हैं k1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो k टाइम ऑफ v1 इज इक्वल टू माइनस k2 टाइम ऑफ v2, तो v1 इज इक्वल टू माइनस k2 टाइम ऑफ k1। तो क्या v1 इसका मल्टीपल नहीं आ गया? हेंस v2 इज मल्टीपल या v1 इज मल्टीपल ऑफ v2। हमने यही प्रूफ करना था। पहले हमने क्या सपोज किया कि v1 v2 का मल्टीपल है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। अब हमने लीनियरली डिपेंडेंट कंसिडर किया और v1 को v2 का मल्टीपल शो कर दिया, क्या ये मल्टीपल है या नहीं, ये देखिए ये मल्टीपल ही। तो इस तरीके से ये थ्योरम चलता। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, इसमें ये कह रहा है कि द वेक्टर्स v1 इज इक्वल टू 1 2 3 और v2 जो है 2 4 6 आर लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज v2 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ v1। ठीक है, नंबर टू, द वेक्टर्स v1 इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है ना, ये लीनियर डिपेंडेंट है क्योंकि एक दूसरे का क्या है, मल्टीपल है। v1 1 2 3 है, v2 जो है ये 1 3 4 है, ठीक है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि v1 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ v2, v1 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ v2, v1 v2 का मल्टीपल नहीं है इस वजह से। ठीक है, तो एक एग्जांपल आप कीजिएगा, क्या करना है इसमें, डिटरमिन वेदर द सेट ऑफ वेक्टर्स
v1 is equal to 1 1 1 v2 don't sa hai aapke paas 0 1 1 and v3 don't sa hai wo hai 0 0 1 is linearly dependent or linearly independent. ठीक है ना, इसको ये चेक करना क्या ये linearly dependent है या linearly independent. ये मैंने आपको तरीका पहले ही बता दिया. इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, जीरो के इक्वल इक्वेट करें, कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालें, तो अगर कांस्टेंट्स की सारी वैल्यू जीरो आ जाती है तो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाता है, एक भी नॉन जीरो आती है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है. ठीक है, तो हमने दो चीजें पढ़ी है कि अगर इनमें से एक वेक्टर भी ऐसा आपको मिल जाए जो दूसरे का मल्टीपल, इन सेट ऑफ वेक्टर्स में से एक वेक्टर भी ऐसा मिल जाए जो दूसरे का मल्टीपल, ठीक है, तो वो वेक्टर हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा. ये बात याद रखिए. ठीक है, तो 1 2 7 1 2 5 1 2 6. नेक्स्ट लेक्चर तक इंशाल्लाह ताला ये डिटरमिनेंट्स वाला आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम बेसिस वगैरह स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना कर लें बस. आपका कोई चीज यहाँ तक पूछनी है आपने तो पूछ सकते हैं, लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाले टॉपिक में से यहाँ तक कोई चीज पूछनी है तो पूछ. हाँ जी बच्चों, कोई चीज पूछनी है आपने? यार किधर है यार, आज सो तो नहीं रहा? तुबा कोई चीज पूछनी है? नो सर. आ गया सारा समझ या सो रही है? सर आ गया समझ. अच्छा, मैं समझा सो रही हूँ. हाँ जी दानियाल. यस सर. समझ आ गई स्टोरी कुछ या नहीं? यस सर आ रही है. एक बार इसको ना घर बैठ के रिवाइज करेंगे तो आपको जो मतलब जो भी कमी पेशी है तो आपको इजीली समझ आ जाएगी. लेक्चर नोट्स भी घर में सेंड कर दूंगा. ठीक है, तो यहाँ तक ही आप लोग कर लीजिएगा इसको. तो एक असाइनमेंट और एक क्विज आपने एंड ऑफ दिस मंथ देनी है. एंड ऑफ दिस मंथ तो आ ही गया, आज क्या डेट है? 27. हाँ, तो बस मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ना एक क्विज और एक असाइनमेंट आपको दे दूंगा, तो वो आप लोग अपलोड कर दीजिए. ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़.